Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और बढ़ती हुई ठंड को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए जी, आज के दिन की बात करें तो आज के दिन कोई खास समात तो नहीं, मगर खबरें बहुत सारी हैं, जैसे कि दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले सोशल मीडिया पर जारी दहशतगर्दाना मवाद को हटाने के लिए सात ममालिक यकजा। नून लीग की बात करें तो नून लीग की हुई बैठक, फैसला अटल, पार्टी की क्यादत मियां नवाज शरीफ ही संभालेंगे, जो होगा देखा जाएगा, नून की क्यादत नून पे मुत्तफिक, शीन का कोई चांस नहीं। दूसरी जानिब अगर बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की तो उन्होंने किए कई शिकवे इमरान खान से, और एमकेएम पाकिस्तान अपनी साख बचाने के लिए सरगरम, पाक से जमीन पार्टी विकटे गिराने में मसरूफ, और अपोजिशन जमातों की मुश्तरक ख्वाहिश के वक्त से पहले इंतखाबात हो ही जाए तो अच्छा है। इन सब पे होगी बात आज के अखबार के साथ। दूसरी जानिब अगर बात करें बैन अलाक्वामी मुल्क के हवाले से तो अमरीका की बात करें तो अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इन इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जाम की तहकीकात करने वाले मिलर कमीशन की रिपोर्ट पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट पर अमेरिका के खिलाफ साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग समेत 12 इल्जामात आयद किए गए हैं। तो ट्रंप को भी डू मोर करना होगा, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ये जनात तमाम तरह खबरें थी जो इंटरनेशनली और नेशनली इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज भी है जिनके बारे में आपका जानना बड़ा जरूरी है। जैसे कि मैंने आते ही कहा कि मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है, तो साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त स्मोक का राज है, बहुत ज्यादा फोग भरती चली जा रही है। लेकिन स्मोक जो है, स्मोक का एलिमेंट जब उसमें शामिल हो जाता है तो उस समवेयर आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता है। तो जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से यही हिदायत की जा रही है कि गैर जरूरी घर से ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और साथ साथ ये कि मोटरवे पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो जनाब मौसम के हवाले से खबर थी। फिर एक नई आज पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि 1 नवंबर से आगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये तमाम तरह कीमतें बढ़ी हैं। तो वैसे ही हमारे जो लोग प्लान कर रहे हैं टूर्स के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, तो जनाब पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा एहतियात एक तो फॉग की वजह से कीजिए, दूसरा कीमतों की वजह से भी। साथ साथ अगर हम कुछ बात करें सियासी मंजरनामे की, तो -1 नामंजूर, नवाज शरीफ से ना होंगे कोई भी दूर। इत्तेफाक फाइनली इस बात पर हो चुका है कि नवाज शरीफ ही पार्टी सदर होंगे और नवाज शरीफ के बगैर इस पार्टी का कयाम कतई तौर पर अमल में नहीं आएगा। इवन ये भी कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ को हटाने की बातें की गई तो बहुत ज्यादा मजामत की जाएगी, और आगे इंतखाबात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की ही पिक्चर को अवेजा किया जाएगा। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो तमाम तर लोग बातें कर रहे थे कि शहबाज शरीफ हों, चाहे दूसरे उनके बेटे हों, हमजा शहबाज हों, या जो भी लोग पार्टी में ये बातें कर रहे थे कि शहबाज शरीफ को सदर होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उनके तमाम तर जो खदशात थे वो डेफिनेटली दूर हो गए होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कल खुद भी कहा है कि भाई के बगैर जो है ये पार्टी का तस्वीर किया भी नहीं जा सकता, और कयादत नवाज शरीफ ही संभालते रहे हैं तो आगे भी नवाज शरीफ ही संभालेंगे। तो इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम लोग आगे चल के शो में बात भी करेंगे और कुछ तजियाकारों को भी शो में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है हमारी टॉप स्टोरीज का। कौन शहबाज साहब को सदर ला रहे हैं? -1 ना मंजूर, नवाज शरीफ से ना होंगे दूर, इत्तेफाक हो गया, नवाज शरीफ ही पार्टी सदर हैं, उनकी मुशावरे से ही पार्टी आगे बढ़ेगी, छोटे भाई का दो टोक ऐलान, 3 नवंबर को अदालत में पेशी के लिए नवाज शरीफ, 2 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। दुनिया की बड़ी ताकतें और टेक्नोलॉजी की दुनिया इंतहा पसंदी रोकने के लिए मिल बैठी। G7 ममालिक और गूगल, फेसबुक और ट्विटर का इंटरनेट पर मजहबी इंतहा पसंदाना मवाद के फैलाव को रोकने के लिए साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शोबिज़ में काम करने से कासिर, गुज़िश्ता 2 साल से हैं बेरोजगार, स्टेज अदाकार जावेद कोडू की सीएम पंजाब से मदद की अपील। जावेद कोडू के राज सेहत, खराबी सेहत की वजह से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज।
ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबार आपकी हेडलाइंस पर। चले जनाब, मेरे पास है इस वक्त जंग, और जंग में जो पहली खबर है वो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से है। और पाकिस्तानी मईशत पर आलमी एजेंसी की मिसबत राय स्टैंडर्ड एंड पूज ने मौजूदा रेटिंग की तौसीख कर दी है। तो जनाब ये तो खबर लगी हुई है मईशत के हवाले से। अगर मईशत के हवाले से हम बात करें तो कहीं ना कहीं नून लीग भी अब ये बात मानने लगी है कि मईशत कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, और जो कहा जा रहा था कि सब अच्छा है और हमारी जो GDP है वो बेहतर काम कर रही है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर हो रही है, और अगर सनतकारी के हवाले से बात की जाए तो जी सनतकारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, तो नहीं अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नून लीग के कुछ रहनुमा हैं जिनमें मेनली जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अब ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, नहीं जी काम करने की ज़रूरत है और IMF के साथ अभी तो फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के बात करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें, देर आया दुरुस्त आया, आपने भी अपनी खामियों को अब तस्लीम करना शुरू कर दिया, उसी वाले से यहाँ पर एक मेन लीड लगाई हुई है। अच्छा जनाब, एक्सप्रेस नामक की अगर मेन खबर और मेन हेडलाइन की बात करें हम, तो हेडलाइन तो यहाँ पर वही लगी हुई है नून लीग की क़यादत का जो मशावरती फैसला सामने आया है कि -1 फार्मूला हरगिज़ नहीं चलेगा। जैसे कि MQM में हुआ जनाब -1 फार्मूला, तो वहाँ पर बुरी तरह से फार्मूला फ्लॉप हुआ, लेकिन नून लीग ने तो फैसला कर लिया है कि पार्टी सदर नवाज शरीफ ही रहेंगे, और इसी हवाले से यहाँ पर खबर लगाई गई है। लेकिन हमने देखा कि कल चौधरी निसार की जानिब से भी जब गुफ्तगुशनीद की गई तो चौधरी निसार का तो कुछ और ही कहना था। चौधरी निसार के हवाले से जो बयानात भी आ रहे थे और जो वो बातें कर रहे थे कि जी इदारों से टकराव जो है वो किसी की भी फेवर में नहीं होगा, तो बात तो संभव हकीकत है, लेकिन जो बात की जा रही थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा चौधरी निसार, वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी और शहबाज शरीफ के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार ने तो उससे अपने आप को बिल्कुल साइड पर कर लिया है और उनके बयानात ने इस बात को वाज़ह कर दिया है कि वो अभी भी इस बात पर कायम है कि इदारों में टकराव जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगा। दो के शहबाज शरीफ का भी ऐसा कहना है और वो अपनी इस बात पे कायल करने की कोशिशें अभी भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये बात कि नवाज शरीफ पार्टी सदर नहीं रहेंगे और सदारत जो है शहबाज शरीफ के पास आएगी, इस बात को कल बिल्कुल क्लियरली वाजे कर दिया गया है। तो ये खबर जो है वो आज नून लीग ने अपनी नून लीग के हवाले से यहाँ पर मेन लगी हुई है, जबकि चौधरी निसार का भी यहाँ पर बयान लगाया हुआ है कि नून लीग ज़ाती मुफाद पर मबनी पार्टी बन गई है, अदलिया से महाजराई नहीं करनी चाहिए। तो ये आज की अच्छा जी ठीक है। अच्छा, अगर ओवरऑल बात की जाए इस बैठक की, जो नून लीग की बैठक हुई है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, और उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा जी शीन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, शीन होंगे लेकिन अपने जो उनके डोमेन है उसके अंदर ही काम करेंगे, लेकिन अब नून की ही सियासत होगी। तो मुत्तफिक हो गई है नून लीग इसके ऊपर, और कल के इजलास में जो अहम चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्यूब से गए, और लोगों ने उनको इस बात पर बड़ा अप्रिशिएट भी किया। और आज उन्हीं के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90 रोज़ उनको मुकम्मल हो चुके हैं जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इस दौरान में 90 रोज़ के दिनों में जो है उन्होंने 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं, और नवाज शरीफ साहब को 900 दिन जो है वो मुकम्मल हुए हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ एक बरतानवी अखबार और जरीदे को जो है वो इंटरव्यू दिया था। तो इस हवाले से अगर उनकी ओवरऑल कारकर्दगी देखी जाए तो जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो वज़रा से मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और एक और चीज़, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए वो अपने खर्चे पर गए लेकिन बड़े कैजुअल थे, और साथ साथ उनकी जो एक पिक्चर है जिसमें उनको रोटी खाते हुए दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इकदाम कर रहे हैं, अभी 90 रोज़ उनकी ओवरऑल सियासत को मुकम्मल हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डायलॉग्स भी किए हैं, और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट की है। तो ये तो खबर है, और दूसरी अगर हम बात की जाए सिंध हुकूमत के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है बाकायदा तौर पर, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बड़ा शिकवा किया है, और शिकवे में उन्होंने ये कहा है कि जी आज तक उन्होंने जो है वो ताज़ियत नहीं की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से ताज़ियत की गई। दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी ये टेक्नोक्रेट जो हुकूमत की बातें हो रही हैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, और पीपल्स पार्टी आगे आने वाले दिनों में जो है बहुत अच्छे इकदाम करेगी और 18 में बहुत ज़्यादा मेन लीड पर होगी। तो पहली दफ़ा उन्होंने एक बाकायदा तौर पर अपना इंटरव्यू दिया है जो बहुत ज़्यादा उसके बारे में जो है बातचीत की जा रही है, तजियाकार उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि बड़ी खुल के इस दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है। अच्छा, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयान आ
जाते हैं और बड़े ही बोल्ड अंदाज में उन लोगों की बातें की जाती हैं, लेकिन जो कल बैठक लगी है मुशावरती इजलास में डी का हुआ है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी बोली है और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आखिर लंदन में क्या हो रहा है जो तमाम तर वजीर हमारे उठकर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर अहम मुलाकातें की जा रही हैं, तमाम तर पाकिस्तानी सियासत लंदन में क्यों मुंतकिल की जा रही है, सवाल तो बजा और मेरा ख्याल है कल हम यही सवाल जो है वो अपने तजियाकारों से भी कर रहे थे। एनीवे उसके अलावा कुछ मजीद बातें आपको बताएं तो यहाँ पर चेयरमैन नैब का बयान लगाया गया है और चेयरमैन नैब ने कल बड़े वाजे तौर पर एक बात की जो लोग चमगोइयां कर रहे थे चेयरमैन नैब के हवाले से और नैब की कारकर्दगी के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक किसी के साथ भी नहीं बरतेंगे, चाहे वो शर्जील मेमन हो चाहे वो आसिम साहब हो, दोनों के केसेस में इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे और एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी सबके लिए ही होगी। इसके अलावा जनाब आपको बताएं कि यहाँ पर एक और खबर मेंशन है वो ईरानी सदर के हवाले से है कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्रंप से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। तो जनाब ये एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत से वजीर मुलाकात के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो वाकई में अपने कुछ स्टांस में बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं और ऐसी मुलाकातों को वो रद्द भी कर देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे जिसमें सबसे पहले हम बढ़ेंगे लाहौर की जानिब और वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान, उनसे जानते हैं कि आज शहर भर में क्या सियासी समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं और साथ साथ तारिक खान पंजाब भर में मौसम के हवाले से भी बताइएगा, फॉग अलर्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मौसम कुछ अंगड़ाई ले रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सुबह के वक्त में कुछ सर्दी जो है वो लाहौर में बढ़ जाती है, लेकिन आज अगर देखें तो सुबह के वक्त में खुश्क सर्दी जो है वो काफ़ी है, तो लोग तो एहतियाती तदाबीर जो है लोगों ने इख्तियार करनी शुरू कर दी हैं, ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल या साइकिल सवार हैं वो एहतियाती तदाबीर जो है ज़्यादा इख्तियार करते हैं, गर्म जैकेट्स और जर्सियाँ जो हैं वो बाहर आ गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन थोड़ी तादाद में। इसके साथ लाहौर में ख़ास तौर पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब जो है वो इस वक्त बड़ी खबर है, कुल 44 उम्मीदवारान हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि टर्न वाइज जो है पंजाब की बारी है तो जो सदर हैं वो पंजाब से इस दफ़ा होंगे, तो अब्दुलरहमान अंसारी साहब हैं और इनके साथ आज मध्य मुकाबल जो हैं पीर कलीम खुर्शीद हैं, इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबले एक ही उम्मीद की जा रही है। 2999 जो वोटर्स हैं वो आज अपना हक रायदेही इस्तेमाल करेंगे और 2017-18 के लिए अपने जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करेंगे। इसके साथ आज जो सेक्रेटरी की नशिस्त है उसके लिए दो उम्मीदवारान जो हैं वो मुद्दे मुकाबले हैं, जिनमें सफदर हुसैन तारड़ हैं और मियां मोहम्मद असलम हैं। इसके अलावा जो नायब सदर के चार अहदे हैं चारों सूबों के लिए केपी के सिंध और कैंपेनिंग के लिए बाकायदा तौर पर इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन के लिए जो है बाकायदा इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं क्योंकि उनका ताल्लुक लाहौर से है, एक 1286 के करीब जो वोटर्स हैं वो उनका ताल्लुक लाहौर से है, तो ये मेन जगह है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मेन मार्का जो है वो ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और देखते हैं कि आज का जो है वो कौन मारता है। आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद का जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद में आज भी उसके नुमाइंदे यासिर नज़र मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी यासिर अपडेट कीजिए, मौसम का हाल भी साथ साथ बताइएगा। शहर इकतदार में क्योंकि आज मौसम अबर अलूद है, सुबह से ही जो धूप है वो हल्की निकली है, बादलों ने शहर इकतदार को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 4 से 5 रोज तक जो बारिश का इसका कोई इम्कान नहीं, मौसम इसी तरह अबर अलूद रहेगा, जिसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो अस्पताल हैं वहाँ पर बीमारियों की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ है, मरीजों की तादाद दिन गुजरने के साथ साथ वो बढ़ रही है। अब इस्लामाबाद के शहरी भी यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश और मौसम खुशगवार हो जाए। दूसरी तरफ आज जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनका इजलास भी है ताकि जो मरदम शुमारी हुई है उसके बाद जो सीटें बढ़ाने का है नेशनल असम्बली के हवाले से उसमें स्पीकर की जेर सदारत इजलास होगा, उस पर गौर होगा और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार के भी आज इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन में भी कुछ मामूल के केसेस भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से और एसोसिएशन के आज जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुल्क भर से ही जो वकला बरादरी है वो अपना हक रायदेही इस्तेमाल करने जा रही है और साथ ही साथ मौसम के हवाले से भी वो अपडेट कर रहे थे कि वहां पर बारिश का इम्कान नहीं है लेकिन फॉग होना शुरू हो गई है, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, मौसम में सर्मा का आगाज है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफजाबाद में भी धुंध इस वक्त काफी ज्यादा है और धुंध की लपेट में काफी इलाका इस वक्त आया हुआ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हाफजाबाद में मौसम की सूरत हाल क्या है। जी अंजुम,
अजनबी मौसमियाती तब्दीली के साथ ही इन दिनों पंजाब के बिस्तर इलाकों में धुंध और स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी तरह की सूरत हाफिजाबाद की भी है। हाफिजाबाद शहर और उसके गिरदनुमा में सुबह और शाम के औकात में धुंध की शिदत में इजाफा हो रहा है, जिस वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है और सर्दी की शिदत में भी इजाफा हो रहा है। चूंकि धुंध और स्मोक की वजह से हादसा में भी इजाफा हो जाता है, इसलिए रेस्क्यू 112 और मोटरवे पुलिस के हकाम ने आवाम से ये अपील की है कि वो एक तो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और दूसरा जब भी वो सफर करें अपनी गाड़ियों के आगे पीछे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी को यकीनी बनाएं। इससे स्मोक की वजह से जल्दी अमराज में भी इजाफा हो जाता है, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार और बिलखसूस दमा के जो अमराज हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स ने यही अपील की है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो अपने घरों में गुजारें और बिलखसूस मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात जो हैं वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें। महकमा माहौलियात के मुताबिक चूँकि ये फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से धुंध और स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है, पंजाब के बेशतर इलाके जो हैं वो इसकी लपेट में है और जब तक बारिशें शुरू नहीं होती उस वक्त तक ये धुंध और स्मोक का सिलसिला चलें। जी अंजुम सुहेल अपडेट करें, बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप खबरें बता रहे हैं सर्दियों के हवाले से, मौसम के हवाले से, तो जितने भी एंकर्स हैं ना उनको इन खबरों से ही पता लग जाता है कि जी सर्दियाँ आ गई और अब उनको सुबह सुबह जो है वो सुबह सुबह उठ के यही वाली खबरें सुननी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी। फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और साथ साथ ट्रैफिक के मुतबादल प्लान क्या है, पंजाब में क्या सूरत हाल है और कराची में क्या सूरत हाल है। मुश्किल है सुबह सुबह उठना, सुबह हम लोगों के लिए तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो सुबह उठने वाला मसला है वो पूरा साल ही रहता है। लेकिन सुबह उठ के आते हैं ना तो फिर पता होता है कि जी आज जो खबर होगी वो सबसे पहले धुंध की होगी और ये भी बताया जाएगा कि जी कितना ट्रैफिक जैम है और कितना ट्रैफिक जैम नहीं है। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं जाएगा बट डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको आज की बड़ी और अहम खबर उसी हवाले से आगाह करेंगे जो कि कल की भी बड़ी खबर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 3 नवंबर को एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए 2 नवंबर को लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। मियां साहब की वतन वापसी का फैसला मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत की 3 घंटे तक होने वाली अहम बैठक के बाद सामने आया, जिसमें हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली इस अहम मुशावरत में मौजूद वजीर आजम के साथ वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे। इस बड़ी बैठक में ये फैसला भी किया गया है कि माइनस नवाज फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कौन सदर ला रहे हैं? -1 नामंजूर, नवाज शरीफ से ना होंगे दूर, इत्तेफाक हो गया। लंदन में लगी एक और बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ भी बोल दिए कि माइनस नवाज किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी की जेर सदारत होने वाले इजलास में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ समेत पार्टी के दीगर अहम रहनुमा शरीक हुए। इजलास के दौरान वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी और वजीर आला पंजाब समेत पार्टी क्यादत ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ और दो टोक अंदाज में कहा कि माइनस नवाज शरीफ फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर माइनस नवाज पर अमल हुआ तो मजाहमत भी की जा सकती है। नून लीग के बड़ों ने बड़ा फैसला ये भी किया कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के पोस्टर्स पर सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी। माइनस नवाज फार्मूला मुस्लिम लीग नवाज को किसी भी हवाले से कबूल होगा? नीचे नीचे जरा माइक छुपा रहे हैं फेस। हमारे सदर मुस्लिम लीग नून के उनके साथ जाहिर है कि उन्हीं की मुशावरत और उन्हीं के साथ पार्टी। उधर फैसला हुआ, इधर नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का ऐलान भी कर दिया, कह दिया कि एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा हूं। नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को एहतसाब अदालत ने नए प्रेफरेंसेस में 3 नवंबर को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर शफाफ ट्रायल होता तो पनामा के बजाय अकामे पर नाहेली नहीं होती, कुछ भी शफाफ नहीं हो रहा, पार्टी में कोई तकसीम नहीं है और ना ही कोई माइनस नवाज फार्मूला है। और इस वक्त इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बिल आखिर ये मुशावरती इजलास हुआ और इस मुशावरती इजलास में सबने वाजे कर दिया कि -1 फार्मूला हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद चौधरी निसार ने फिर से कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से बयान सामने आया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ाती मुफाद पर मबनी एक जमात बनती जा रही है, क्या कहेंगे आप सब? देखिए, जहाँ तक तो चौधरी निसार अली खान साहब की बात है वो उनकी जाती राय है और मेरा ख्याल है कि इस राय में वो तन तनहा हैं।
जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो ये कहा जा रहा है कि कल के मुशावरती इजलास में फैसले हुए, तो क्या इससे पहले कोई फैसला मुख्तलिफ था? ये फैसला तो उस दिन जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वजारत उज़्मा से अलग हो के उन्होंने पंजाब हाउस में जो है वो पार्टी मीटिंग और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो उन्होंने ये रैली की थी रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर तक, तो उस दिन भी ये सारी चीज़ें अनाउंस हुई थी, सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई थी। कभी ये अब आम रहा ही नहीं है मुस्लिम लीग नून में कि इसकी क्यादत जो है वो मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई और हो सकती है। कभी ये बात नहीं हुई कि माइनस वन फार्मूला जो है वो कभी जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है और इलेक्शन में जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी को लीड नहीं करेंगे। ये सिर्फ मामला ये है कि इयादा किया गया है, उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ हलकों से अभाम फैलाने की, कभी कोई बात कभी कोई बात, तो फिर उस बात को रद्द करने के लिए जो है वो दोबारा इन बातों को जो है वो दोहराया जाता है। बाकी ये फैसले जो ये तीन चार फैसले बना के जो अनाउंस किए गए हैं कि कल वहाँ भी हुए जी, ये फैसले ऑलरेडी भी यही थे फैसले। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी फैसले यही थे, इस किस्म की अफवाहें फैलाते रहते हैं। ठीक, अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी फैसले यही थे, मुस्लिम लीग नून का स्टांस शुरू से लेकर अब तक था, तो कल जो अहम बैठक हुई है फिर आपको क्या लगता है वो किस लिए हुई है, वो क्या बताने के लिए हुई है, उसमें क्या फैसले किए गए? नहीं, उसमें देखें, उसमें जो करंट इश्यूज होते हैं, जी जी जी, आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने को बहुत किसी पता नहीं क्या वहाँ पे हो गया, क्या इमरजेंसी होगी। देखिए, ये आईन अमेंड होने जा रहा है, अच्छा इलेक्शन सीटों का फैसला होने जा रहा है, ठीक, वो बढ़नी है नहीं बढ़नी, तो ये इतने अहम अमूर हैं जी, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो पार्टी लीडर से मशवरा किए बगैर जो है वो पार्लिमानी पार्टी के दूसरे सरबराहों से बैठ के कोई हतमी जो है वो डायलॉग कर सके। और यकीनन शहाद खान अब्बासी साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला किया, वो वहाँ पे गए, अच्छा, और वहाँ पे उन्होंने मशावरत की होगी और उसके बाद को आज मेरा ख्याल है कि बाकी पार्लिमानी पार्टी के लीडरों से मिलके आज ये फैसला होने जा रहा है, क्वाइन में अमेंडमेंट होगी या बाकी जो सेंसस के बाद हल्का बंदी का मामला है। इसी तरह से और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं गवर्नमेंट के, अच्छा, जिनके ऊपर अच्छा। उन्होंने मुनासिब समझा कि वो जाके बात कर लें। बिल्कुल ठीक। राणा सनाउल्लाह साहब, आप अभी कह रहे हैं कि पार्टी में पहले ही जो है वो ये बात तय हो चुकी हुई थी कि माइनस वन फार्मूला किसी तौर नहीं चलेगा, अगर पार्टी इतनी ही मुत्तहिद थी तो फिर आवाजें क्यों उठी और ये एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही क्यों आया और ये मौका क्यों पैदा किया गया कि तमाम जो वज़रा हैं वो इकट्ठे होकर बैठेंगे और उसके बाद इस चीज़ को मिल के जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा, अगर ऐसी बात थी ही नहीं तो फिर ये एक्सप्लेनेशन क्यों? देखिए, वो इन चीज़ों की वजाहत करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पाकिस्तान में बाज ऐसे सियासतदान हैं कि जिनकी औकात ये है कि सारी जिंदगी वो अपनी जात के बलबूते पे कभी जो है ना वो गली के मेंबर नहीं मुंतखब हो सके, ना इतनी उनकी वसासत है, लेकिन वो जब मीडिया पे बैठते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो ऐसी जो है वो शेख चिली वाली जो है ना वो डींगे मारते हैं कि जी मेरी जेब में 70 आदमी हैं, ये अब ये हो जाएगा, ये होने वाला सर, बिल्कुल 70 लोगों के हवाले से ही बात मैं कर रही थी कि क्या ये खबरें बिल्कुल ठीक है। जैसे शेख रशीद कहते हैं कि अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि 70 लोग जो है वो इधर आने वाले हैं, लेकिन नाम नहीं मेंशन करते, कुछ आपको खबरें ऐसी पता है अपनी पार्टी की? मैं कहता हूँ कि इसके पास 7 नाम नहीं है, 70 तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अपनी इसकी औकात ये है कि आज तक अपनी जात के हवाले से जो है ये कभी इसने इलेक्शन नहीं जीता, कभी नवाज शरीफ के अपना जो है वो वोटों से, कभी इमरान खान के वोटों से, अपनी उसकी औकात कोई नहीं है। बातें जो है वो रोज सुबह उठ के जो है वो करनी शुरू कर देता है, जी मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तो इस किस्म के जो बेवकत लोग हैं जी, वो जब इस किस्म की अफवाहें इस किस्म का भाम पैदा करते हैं तो उसे फिर रद्द करने के लिए वो आगे से जो है वो कोई ना कोई बयानिया कोई ना कोई बात जो है वो करनी पड़ती है। थी। अच्छा ठीक, राणा सनाउल्लाह साहब, अब नवाज शरीफ साहब 2 को आ रहे हैं और 3 को वो पेश भी होने जा रहे हैं, बहुत से तजियाकारों का ये कहना है कि नैब रेफरेंसेस में उनको सजा भी हो सकती है, क्या समझते हैं आप, किस तरह से केस को निपटने के लिए क्या हिकमत अमली तय की गई है? कल देखिए, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ कहा जा रहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनको सजा भी हो सकती है जी। ये जो सिविलियन बालादस्ती और जो वोट का तकद्दस है और ये जो एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी का बुत है,
इसके ताबूत में आखिरी कील होगा। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ को सजा या उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक, ये आप देखेंगे कि इस अमल के बाद अवाम का रिएक्शन क्या होगा और लोगों की मियां नवाज शरीफ की, ठीक है, मतलब आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी आपकी सर इंटैक्ट है। सर, अगर चौधरी निसार के बयान के हवाले से बात की जाए तो आपकी जमात के इंतहाई सीनियर रहनुमा है, जबकि मरियम नवाज के हवाले से वो ये कहते हैं कि जी बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, उनके बयान को वो इतनी खातिर में ही नहीं लाते, और दूसरी जानब वो ये कहते हैं कि जी मजामत की पॉलिसी अब इख्तियार नहीं करनी चाहिए, मुफामत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ये जाती मुफादात पर मबनी पार्टी बनती जा रही है। नहीं देखिए, बात यह है कि मैंने तो ये पहले भी कहा है कि चौधरी निसार अली खान साहब की अपनी राय है और अपनी राय में वो तन तनहा है बिल्कुल। अच्छा, अब वो मरियम नवाज साहबा को कह रहे हैं कि जी बच्चे गैर सियासी होते हैं, क्या मरियम नवाज साहबा जो है वो नाबालिग हैं? अच्छा, उनकी उम्र कोई 10.5 साल है। अच्छा, और ये NA 120 में जिस तरह से लोगों ने उनको जो है वो उनके साथ इलेक्शन कैंपेन की और पार्टी के लिए बड़ा नाम कमाया, पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई, तो वो क्या सारे लोग जो हैं वो सियासत ही समझते हैं, या वो लोग जो हैं वो उन्हें ये मालूम नहीं है कि पार्टी को किस चीज की जरूरत है और किस तरह से पार्टी के साथ जो है वो चलना है। देखिए, ये चीजें जो है वो ठीक है, वो एक अपनी सूरत हाल में जो है वो जो राय का इजहार करते हैं पार्टी में, सभी को, कोई सीनियर हो या इवन कोई जूनियर भी हो, उसे अपनी राय के इजहार का मौका हक हासिल है, वो अपनी राय का इजहार कर सकता है, उसके ऊपर कदम नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में पार्टी जो है वो मुतहिद थी। अच्छा, है और इंशाल्लाह ताला रहेगी, इसमें कोई अभाम जो है वो होगा, ठीक है, लोग इसको पैदा करने की कोशिश करते रहे और अब अभाम होंगे भी तो दूर हो चुके हैं, फैसला जो है वो सामने आ चुका है। राणा साहब, आखिर में आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि ये इल्जामात जाने कहे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी क्या वजह है कि तमाम तर मीटिंग्स लंदन में हो रही हैं, नवाज शरीफ भी सऊदी अरब से वहाँ चले गए हैं, फिर हमारे वजीर दाखला भी लंदन चले गए हैं, फिर हमने देखा कि वजीर आजम साहब भी यहाँ से लंदन गए, तो ये मीटिंग्स लंदन में क्यों हो रही है, पाकिस्तान की सियासत को लंदन में क्यों मुंतकिल कर दिया? नहीं तो ये यानी जो PMLN की मीटिंग है वो कोई PTA से या इमरान खान से पूछ के हमने कर दी है, वो हम लंदन में करें या जद्दा में करें या अपना जो है वो इस्लामाबाद में करें, ये तो अपनी जो है वो यानी सहूलत देखनी होती है जहाँ पे भी जो है वो मीटिंग हो। लेकिन ये मीटिंग जो है वो PMLN की है, ये PTI की मीटिंग नहीं है कि जिनके लिए इमरान खान साहब से या PTI से जो है वो इजाजत देने की जरूरत है। अच्छा सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी मीटिंग्स करें, डेफिनेटली आपके आप यू आर फ्री फॉर मीटिंग्स, लेकिन ये बताएं कि आपकी पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन अगर प्लान बी पे जाना पड़े और मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई और ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें तो क्या लगता है फिर पार्टी लीड कौन करेगा, शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज या फिर कोई और ऑप्शन है आपके पास? ये फैसला भी पार्टी ही करेगी, और पार्टी ने इससे पहले जब ये वक्त आया था या मौका आया था जी, जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाहल कर दिया गया और वो जो है लीगली पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते थे। अच्छा, तो ये फिर पार्टी ने जब इसके ऊपर गौर हुआ तो पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब को ही ये इख्तियार दिया था कि वो पार्टी के किसी भी सीनियर को जो है वो इस बारे में वो फैसला करें, तो उन्होंने जो फैसला किया था वो आप सब के इलम में है कि वो मियां शहबाज। तो पार्टी का फिर एनी केस क्या समझते हैं, अगर कोई और पार्टी लीड करता है तो आप साथ देंगे? नहीं देखें, अगर पार्टी का फैसला कंसेंसस से होता है और मियां नवाज शरीफ ही फैसला करते हैं, ठीक, तो उस फैसले के ऊपर तो सबको इतफाक होगा, इससे पहले जब उन्होंने फैसला किया तो सबने उस फैसले को इंडोर्स किया। ठीक, सही। अच्छा ये बताइएगा राणा सनाउल्लाह साहब कि अब 2018 में, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि जी नून लीग जो है वो अपनी वो साख खो चुकी है, अपना वोट बैंक जो है थोड़ा सा उसने शेक किया है, तो क्या देख रहे हैं 18 में फिर नून लीग को, आप कहाँ देख रहे हैं? 2018 में इंशाल्लाह ताला नून लीग जो है ना वो 2013 से बेहतर रिजल्ट हासिल करेगी। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा राणा साहब, ये सबको मालूम है, इसीलिए सबको जो है ना वो इस बात की पड़ी हुई है। अच्छा, अगर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट ना होता तो फिर तो मुस्लिम लीग कोई किसी को मसला ही नहीं था, ना मियां नवाज शरीफ मसला था। अब तो मियां नवाज शरीफ सबके लिए मसला इसीलिए बना हुआ है। अच्छा, ये वोट बैंक और पार्टी उनकी जो है वो उनकी बैक पे खड़ी है और इंटैक्ट है। अच्छा, अभी ये भी अफवाहें गर्दिश करी है राणा साहब के नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो यहाँ पर टेक्नोक्रेट हुकूमत का राज हो जाएगा।
नहीं, टेक्नोक्रेट हुकूमत का कोई आईन में कोई प्रोविजन नहीं है, और मावराए आईन इकदाम जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर खुदा ना खासा, खुदा ना खासा अगर ऐसा हुआ तो ये तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस आलमियत के ऊपर जो है वो एक बार होगा जिसको पूरी कौम जो है वो रजिस्ट करेगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप मावरा आइन जो है वो किसी इकदाम की तरफ जाएं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि पार्टी इंटैक्ट है, और अभी जो कल की यहाँ मीटिंग हुई है उसमें भी आपने कहा कि ये तो पहले ही से तय था कि पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन सर अगर बात की जाए रियाज पीरजादा साहब के बयान की बात की जाए, फिर मरियम नवाज और हमजा जो शरीफ हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की बात की जाए, तो आपको नहीं लगता कि अंदरूनी तौर पर टूट फूट तो हो रही है मुस्लिम लीग नून में? नहीं, देखिए वो इख्तलाफ राय होता है, हर आदमी की सोच जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, बल्कि होती है, लेकिन ये किसी को मजाल नहीं है, वो मरियम नवाज साहबा हो, वो हमजा शहबाज साहब हो, मेरी जात हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या बाकी पार्टी के सीनियर लीडर्स हो, कि वो मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में होने वाले किसी फैसले से जो है वो रूकरदारी करेंगे, सब जो है वो पार्टी को अभी करेंगे। सही। अच्छा राणा साहब, कल आपने भी एक बयान दिया था और आप ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया तो भी झूठ के जो है वो अंबार निकल के आएंगे और पॉलीग्राफ मशीन खराब हो जाएगी, लेकिन उनके झूठ खत्म नहीं होंगे, कुछ वजात करेंगे इसकी? ये बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है कि वो झूठ की किस कदर फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो नोट कर सकती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन ये तो इतना झूठा आदमी है कि अगर इसका टेस्ट किया गया तो हो सकता है वो मशीन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरा भी ख्याल कि उस मशीन की कैपेसिटी के जो है वो अंदर है। चले जी, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्ला, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कल होने वाली आम मीटिंग के हवाले से। वो यही कह रहे थे कि पार्टी जो है वो इंटैक्ट है और लोग खौफजदा हैं क्योंकि 2018 में भी मुस्लिम लीग नून आएगी, इसलिए जो है लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और तमाम जो भी उनके पार्टी के अंदर जो भी इख्तलाफात हैं उसको वो उन्होंने रद्द किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। चले जनाब, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी कुछ खबरें शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की तारीख के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 31 अक्टूबर 1901 में एक खातून ने पहली मर्तबा बैरल में बैठकर नियाग्रा फॉल पर पार जो है वो किया था। क्या बात है। 1838 में पैदा होने वाली एनी एडसन टेलर, जो कि एक अमरीकी टीचर थी, और वो पहली खातून थी जो लकड़ी के बैरल के अंदर बैठकर नियाग्रा फॉल की ऊंचाई से नीचे आई थी। ये बैरल बलूत के दरख्त की लकड़ी और लोहे से बना था, जिसके अंदर काफी मकदार में रुई और फोम भरा गया था। बैरल की तैयारी में काफी दिन सर्व किए गए थे। एनी के इस स्टंट से पहले बैरल को टेस्ट करने के लिए एक बिल्ली को इसमें बंद करके नियाग्रा फॉल से नीचे फेंका गया था, और बिल्ली के सर पर सिर्फ हल्की खराश पाई गई थी। एनी बोट के जरिए नियाग्रा फॉल के करीब आई और बोट से ही इनके बैरल को नियाग्रा फॉल में डाल दिया गया। बैरल को डूबने से बचाने के लिए इस पर कई बाईसाइकिल टायर लगाए गए थे। इस स्टंट के 25 मिनट बाद एनी का बैरल नियाग्रा रिवर ही में गोट आइलैंड के करीब पाया गया और एनी इसमें सही सलामत मौजूद थी। नियाग्रा फॉल जाने का वैसे मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन बैरल पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं। चले जी, गुड मॉर्निंग, आज में यह वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। इस इत्तेहाद का मकसद इंतहा पसंदाना मवाद को 2 घंटों के अंदर हटाना यकीनी है, जबकि अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के कायम मुकाम सेक्रेटरी अलाइने ड्यूक का कहना है कि हमारे दुश्मन एक ट्वीट की रफ्तार से चल रहे हैं और हमें इसका मुकाबला भी इसी रफ्तार से करना होगा। सोशल मीडिया दहशतगर्दों का अहम हथियार इस वक्त बन चुकी है और इसका महाज इंटरनेट खसूसन सोशल मीडिया है। इंतहा पसंद बड़े जो मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो इस तरह की मनसूबाबंदी करते हैं और इस महाज जंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसे नज़रियाती, अमली और नफ्सियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके बड़े जो ख्यालात हैं लोगों के बदल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उससे जो है वो नौजवान नस्ल हमारी मुतासर भी हो रही है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी परवेज़ हुड साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जो इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है, अगर दुनिया मिलकर इस बात को सोचने पर मजबूर हुई है कि इंतहा पसंदी और सोशल मीडिया का एक गहरा ताल्लुक है और सोशल मीडिया और रवाबित एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर इससे दहशतगर्दी भी होती है। G7 ममालिक और फेसबुक का इत्तेहाद किस हद तक कामयाब होगा? आज़ादी फिक्र इंसान के बुनियादी हकूक में शुमार होता, तो ये एक हकीकत है जो हमें माननी पड़ेगी कि अगरचे फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए से इंतहा पसंदी फैली है, लेकिन दूसरी तरफ
तरह तरह के दूसरे ख्यालात भी फैलते हैं और ये एक अच्छी बात है, एक रابطہ रहता है लोगों के दरमियान। हाँ, इसके ऊपर कुछ कदमें लगाने की जरूरत है। यहाँ तखरीबी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लोगों में नफरतें बढ़ाने को रोकना चाहिए और फेसबुक पर इंतहा पसंदी का प्रचार ममनू होना चाहिए। अब ये एक बड़ा हिसास मसला है कि किस चीज को रोका जाए और किसकी इजाजत दी जाए। मगर इसके कुछ ऐसे उसूल तय किए जा सकते हैं। मसलन अगर कोई ये फेसबुक पे कहे कि फलां लोग काबिले गर्दन जदनी हैं, वो हमारे हमारी सोच के दायरे से बाहर हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए, तो हाँ उस चीज के ऊपर फिल फॉर कार्रवाई करने की जरूरत है और उस फेसबुक पेज को ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इससे हटके चीज हो, इससे कम दर्जे की चीज हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुमानियत लगाना गलत बात होगी। नफरतें फैलाना, हाँ उस चीज पर जरूर मुमानियत होनी चाहिए, लेकिन आजादी फिक्र, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये आपका और मेरा एक अच्छा बुनियादी साहब G7 ममालिक और के बड़े इदारों बशमूल गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने ये ओवरऑल जो प्लान किया है इंटरनेट पर मजहबी इंतहा पसंदाना मवाद के फैलाव को रोकने के लिए, जो ये मिलकर बैठे हैं इतफाक से इस पर काम करने के लिए एक साथ बैठे हैं, तो दुश्मन एक ट्वीट की रफ्तार से भी तेज चल रहा है, तो क्या हमें इसका मुकाबला भी इसी रफ्तार से करना होगा? अगर मजहबी इंतहा पसंदी पर मुमानियत लगाई गई तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर तरह की मजहबी इंतहा पसंदी, खा वो इस्लामी हो या हिंदू मत की हो या ईसाइयत की हो, या जैसा कि हम देख रहे हैं इसराइल में भी यहूद मत की एक धार है जो इंतहा पसंदी पे ले जाती है, और जहाँ भी इस तरह की सोच लोगों को तशद्दुद के ऊपर उकसाए, जहाँ ये नफरतें फैलाए, जहाँ ये कहे कि फला लोग को ख़त्म कर डालने की ज़रूरत है, तो वहाँ रियासत का काम ये बनता है, उसके ऊपर ये फ़र्ज लाजिम होता है कि ऐसी चीज़ को रोके। हमें इसको कोई मजहब के दरमियान जंग नहीं समझना चाहिए, हमें इस बात पे बतौर इंसान के इस बात पर इत्तफाक करने की ज़रूरत है कि जो भी इंसानों के खिलाफ नफरतें उभारता है और जो कहता है कि फला लोग जो हैं हकीर हैं और इस कदर गिरे हुए हैं कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, उस चीज़ को ज़रूर रोकने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो चाहिए। अगर आपको क्या लगता है कि इस एकदम से पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के फिल्टर में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से इस इशू को उजागर करता है, इस तरह दहशतगर्दी की मवाज़ को हवा दी जाती है, तो क्या इससे पाकिस्तान में भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान में पहले से काफ़ी ज़्यादा कतगने हैं, मगर वो मजहबी इंतहा पसंदों की ऊपर नहीं लगाई जाती। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि और तरह के लोग हैं जो लिबरल सोच रखते हैं, जिन्हें पकड़कर उठाकर गायब कर दिया जाता है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो कालेदम हैं, लेकिन जिनके वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रखते हैं, और अब मेरा ख्याल है हुकूमत और जो एजेंसियां हैं उनको इसकी तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। तो G7 और यूरोपी ममालिक और दूसरे मुल्क जो भी हैं, चीन भी उसमें शामिल है, वो जो भी करें, लेकिन हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो जमातें जिन पर हुकूमत पाकिस्तान ने कालेदम का एक लेबल चस्पा किया है जी, उनको ये खुली इजाजत नहीं देनी चाहिए जो के इस वक्त। अच्छा परवेज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल नहीं है और पाकिस्तान में साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके मसले बहुत ही ज्यादा हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर नजर भी आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि खबरें तो आती हैं, हुकूमत ने कोशिश भी इस हवाले से बहुत की उन तमाम चीजों को रोकने के लिए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अगर इसको रोकने का कोई कानून लाया जाता है तो इस पर अमल दरामद करना पाकिस्तान में स्पेशली कितना मुश्किल होगा? हम ये देखते हैं कि एजेंसियों के पास
अब खासे वसाइल हैं जिससे वो हर एक की तरफ देख रहे हैं और शायद ज़रूरत से ज़्यादा वो नज़र रखे हुए हैं। G7 के अंदर जो भी होता है वो एक हैसियत रखता है, वो ऐसी ऐसे सोशल मीडिया पर रोकथाम करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल लगाना चाहते हैं जो उनके लिए खतरे का बायस है। हमें अपने नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है, हमें किन लोगों से, किस किस्म के लोगों से खतरा लाहक है। और मैं समझता हूँ कि अगरचे इन दोनों में काफ़ी इश्तराक है, मुमासलत है, लेकिन यहाँ पर जो इंतहा पसंदी है और जो उसकी सिमत है वो बिल्कुल वही नहीं है जैसा कि बाहर है। तो यहाँ अगर हम ये तय कर लें सोच को आगे न बढ़ने दिया जाए, इस पर अमल दरामद करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि ऐसे लोगों को हदफ बनाया गया है जो जो सरकारी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन मैं, मेरी अर्ज़ ये है कि तमाम ऐसे लोगों को रोकने की ज़रूरत है जो इस मुल्क के समाज के ठीक है। बहुत शुक्रिया परवेज हुड बॉय साहब हमारे साथ थे और इस तमाम तर अहम मौजू के ऊपर जो है वो आप हमसे बातचीत कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग आज, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ अमराज की वजह से शोबिज में काम करने से कासिर गुज़िश्ता 2 साल से बेरोजगार पाकिस्तान टेलीविजन और स्टेज के मारूफ अदाकार जावेद कोडू ने वज़ीर आला पंजाब से माली इमदाद की अपील की है, जबकि जावेद कोडू इस वक्त खराबी सेहत की वजह से लाहौर के जनरल अस्पताल में हैं। स्टेज के इस लेजेंड अदाकार ने सालों ना सिर्फ टीवी पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं बल्कि 150 फिल्मों में काम करके अपने बदाहों को महसूस भी किया है, लेकिन आज वो किस हालत में है ये देखिए। छोटा कद, मखसूस अंदाज और डायलॉग्स की अदायगी में महारत रखने वाले ये हैं स्टेज के मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए हमेशा मद्दाहों से खूब दाद पाई। मखसूस लबो लहजे के हामिल जावेद कोडू ने मुतअद्दिद स्टेज शोज और ड्रामा सीरियल्स में भी काम किया। जावेद कोडू इन दिनों अलालत के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। माली मसाइल में फंसे जावेद कोडू ने हुकूमत पंजाब से माली इमदाद की अपील की है। शहबाज शरीफ साहब, ये मेरी फाइनेंशियली ऐसी सपोर्ट करें, बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर दी तो लिहाजा आपसे इल्तमास है कि जितना जल्दी और मुमकिन हो सके ये काम जल्दी निपटाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर कर दाद कमाने वाले अदाकारों में जावेद कोडू पहले शख्स नहीं जो अपनी बीमारी के दिनों में मुश्किल हालात से निबर्द आजमा है। ये ऐसे हालात में हुकूमत और साहिब हैसियत अफराद की मदद के मुंतजर रहते हैं। जरूरत इस अमर की है कि मुतलका इदारे मुश्किलात में घिरे फनकारों की फलाह के लिए अमली इकदामात उठाएं। देखा आपने वो क्या बातें कर रहे थे, और पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करने वाले, अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले अदाकार जब स्टेज पर आ जाते हैं और वो बिस्तरे पर होते हैं तो उनको कोई भी नहीं पूछता, जो कि हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। बिल्कुल लम्हे फिक्री आई है, फिल्मी और ड्रामों के अदाकारों को या अदाकाराओं को जब कोई बीमारी हो जाती है तो ना तो उनके ख़ानदान वाले दादरसी करते हैं और ना हुकूमत की जानिब से उनकी कोई भी मदद की जाती है। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने अदाकारा मदिया शाह से बात की है, आइए सुनते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बदनसीबी यही रही है कि कोई ख़ास तौर पे इनके लिए कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए गए, कोई इदारे नहीं बनाए गए, कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनाई गई। ये गवर्नमेंटें बनाती हैं, ये आर्टिस्ट अपने से तो नहीं बनाते, जाहिर सी बात है ये बहुत सी चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट की करने की होती है वो नहीं करती, और जब वो नहीं करती तो हमारे आर्टिस्ट बिस्तरे मर पे मर जाए, चाहे वो एक्सीडेंट पे चले जाएँ,
चाहे वो पुरसाने हाल हो जाए, उनको कोई नहीं पूछता। जिंदगी अपनी आवाम को हंसाने के लिए दे देते हैं, अपने लोगों को दे देते हैं, अपने जिगर का खून करके, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने आप को तबाह बर्बाद करके आप ये खुशियों का जामिन बनते हैं। उसके लिए कोई इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं होता कि जब वो बीमार हो उसके लिए वो फंड्स हो। एक आध बंदे की हेल्प करने से आप समझते कि आपने सारी लोगों की हेल्प कर दी, ऐसा नहीं होता। सब सभी लोगों की बात होती है उसमें। बजाय दत्तरे साहब भी गए, हमारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, बब्बू बराल साहब, बहुत से लोग जो बहुत बुरे हाल से गए। ये भी बहुत तकलीफ होती है। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का है और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था। जावेद कोडू कोई छोटा नाम नहीं है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का और हमारे थिएटर और टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। वक्त का छोटा ज़रूर है मगर अपने किरदार का और फनकार बहुत बड़ा है। काश के कदर होती किसी को उसकी तो बाकी वो इस तक ये पीले ना करता। वो एक मासूम सा, उसकी बीवी भी बीमार है, उसके बच्चे भी हैं, घर भी है, हर चीज़ है उसकी, तो वो डिस्टर्ब हुई है। जाहिर है उसको ज़रूरत है। हर बंदा, हर आर्टिस्ट बरादरी अपने तौर पे तो हर तरह से कोशिश करती है, मगर जब माली इमदाद प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है वो गवर्नमेंट का काम है करना। और उसकी ये प्लीज़ ये अपील जो है उसको मंजूर करें और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि उसका फौरन इलाज करवाया जाए। तो आपने देखा मदिया शाह क्या बातें कर रही थी। बिल्कुल होना चाहिए, जो भी एक्ट्रेस होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, हमारे फनकार जो होते हैं वो हमारा असासा होते हैं। जब इनके लिए फंड्स मुख्तस करते हैं तो इन तमाम लोगों को बाकायदा इक्वली काउंट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 500,000 फनकारों के लिए आपने फंड्स मुख्तस कर दिए और बाकी जावेद कोडू की तरह जो है वो इस हाल में मुब्तला है। बिल्कुल जनाब, ये लोग भी हमारा असासा होते हैं और इनकी कदर करना और इनका ख्याल रखना हम लोगों का ही फर्ज है। इस हवाले से डेफिनेटली हुकूमती इदारों को हम जगाना चाह रहे थे, इसीलिए हमने आज इस स्टोरी को भी अपने शो में उठाया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और असासों की बात हो रही है, तारीखों की बात करते हैं कुछ। और आपको बात करेंगे हम सैदपुर गांव के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद में मारकला पहाड़ियों की ढलानों पर वाकया पाकिस्तान का सबसे कदीम गांव है। 500 साल से ज्यादा पुराना यह गांव अपने वर्से और तारीख के बायस मशहूर है। सैदपुर गांव का नाम सुल्तान सारंग खान के बेटे सुल्तान सैफ खान के नाम से मंसूब किया गया था, जो कि मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दौर में पोठोहारी इलाके अटक से जेहलम का सरदार था। हम भी इस मुकाम को देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं, लेकिन इससे पहले हमारी साथी एंकर अस्मा नवाज वहां गईं और अब उन्हीं से जान लेते हैं सब कुछ वहां पर, कि वहां किस तरह का माहौल है, क्या मनाजिर देख रही हैं। जी अस्मा, गुड मॉर्निंग सबाए ननम, आज सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सैर करवा रही हूँ 500 साल पुराने एक गांव की। जी हाँ, ये है सैदपुर विलेज, जो कि 500 साल पुराना है और यहाँ पे मुख्तलिफ रवायात की चीज़ें यहाँ पे बरकरार हैं। अभी भी मुगलिया तर्ज तामीर की, कंधारा तर्ज तामीर की इमारत है और यहाँ पे जदीद और कदीम दोनों चीज़ें मिलकर एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। सैर व तफरी के लिए इंतहाई खूबसूरत मुकाम है, सियाह यहाँ बहुत आते हैं और इस्लामाबाद जैसे मॉडर्न सिटी से महज 750 किलोमीटर के फासले पे ये सिटी, ये गांव मौजूद है। तो आइए व्यूअर्स के साथ आपको भी सैर करवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है। बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी कल्चरल चीज़ें हैं और मैं और आप मिलकर आज इस खूबसूरत गांव की सैर करते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक विजिटर और जानते हैं कि वो सैदपुर विलेज ही क्यों आते हैं और यहाँ के खाने की क्या खास बात है और यहाँ क्या हसीन मंजर है जो उन्हें यहाँ पे आने पे मजबूर करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने सवाल आपसे कर ही लिया है कि सिर्फ सैदपुर विलेज ही क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप? असल में वैसे तो इस्लामाबाद पूरे का पूरा ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ एक आपको एक नेचुरल टच ज़्यादा मिलती है। वहाँ कंक्रीट के जंगल में जाके आपको जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ आपको एक कुदरती टच नहीं मिलती। तो इंसान ज़रा कुदरत के करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल में वन रीज़न फॉर कमिंग हेयर इज़ के यहाँ आपको एक नेचुरल एक अच्छा माहौल मिलता है। सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये घर हैं और ये पूरा गाँव का एक माहौल है। तो वैसे भी हम जो गाँव के लोग होते हैं उनको कभी कभार अपना जब गांव ज़्यादा याद आता है
तो फिर ऐसी जगह पे आने का दिल करता है। सही, यहाँ पे पुरानी तर्ज की बहुत सी इमारात भी हैं, बड़े गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, बड़ा डिफरेंट व्यू नज़र आता है जो आमतौर पर कहीं नज़र नहीं आता, तो इसीलिए भी थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है। बड़ा यूनिक गाँव है इसमें वाकई, ये मेरा ख्याल है पुराने ज़माने के जो गाँव होते थे जब हिंदू और सिख और सारे लोग यहाँ मौजूद थे, तो उस ज़माने में हर गाँव का यही मंजर होता था कि उसमें गुरुद्वारा भी आपको नज़र आता था, तो मंदिर भी नज़र आता था, तो मस्जिद भी नज़र आती थी, जो एक मिलजुल के रहने का एक माहौल था। तो ये बड़ी अच्छी प्रिजर्वेशन की है इन्होंने, इस गांव वालों ने, वरना अक्सर जगहों पे तो लोगों ने गुरुद्वारे और मंदिर गिरा दिए हैं, यहाँ इन्होंने ये है कि इनको प्रिजर्व किया है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने उसको मेंटेन रखा हुआ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और जिस तरह सर ने भी बताया कि यहाँ पे वाकई जब पुराने मनाजिर नज़र आते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, तो पता चलता है कि अकलियतें कितनी मोहब्बत से रहा करती थी, और अब भी अमन और शांति के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। सैदपुर विलेज के हसीन नज़ारे यकीनन आपको भा गए होंगे, और आप यकीनन अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने का प्लान भी बना चुके होंगे, तो बिल्कुल देर मत कीजिए और जल्दी से प्लान बनाइए और यहाँ आके अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको एक अच्छा सा पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चले जी अस्मा, आपको इस्लामाबाद में देख के बड़ी खुशी हो रही है, और बिल्कुल प्लान तो है आपके साथ, और मेरा तो बिल्कुल डेफिनेटली प्लान है, और देखना ये कि कब हम इस्लामाबाद आते हैं और कब साथ घूमने जाएंगे, और सकता है हमारी टीम भी आए। अच्छा अनम, बड़ा ज़बरदस्त ये तारीखी विरसा जो है, इससे ये मिलवा रही थी, दिखा रही थी, आपने कभी सैर की? मैंने बिल्कुल की है, और ये सैदपुर गाँव बहुत ही खूबसूरत है, मारगला के दामन के अंदर एक छोटा सा इन्होंने गाँव बनाया है। इस्लामाबाद वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, पूरा इस्लामाबाद ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसे मकामात जो है वाकई ही भी बहुत खूबसूरत है। स्पेशली आसमा को मैं देख रही थी कि जब से इस्लामाबाद कुछ ज्यादा ही चहकता शुरू कर दिया, वो फ्रेशनेस मौसम की मेरा ख्याल है उनके चेहरे पर बड़ी वाजे थी, तो अच्छी बात है जनाब, हम लोग भी कुछ प्लान करेंगे इंशाल्लाह, लाहौर तो जरूर जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाना तो चाहिए। खैर गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हम करेंगे बातें सैदपुर गाँव की। आप वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट की। गुज़िश्ता दिनों न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई है, जहां टेस्ट क्रिकेट में शायकीन की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के इनेकाद की मंजूरी दी गई। साथ ही वनडे लीग का इनेकाद भी फाइनल हो गया है, जिसके तहत वर्ल्ड कप 2030 में टीमों की रसाई का फैसला भी हो गया है। लेकिन मुद्दा बहस ये है कि आईसीसी ने इस लीग की मंजूरी तो दे दी है, आया दुनिया के क्रिकेट के दो बड़े जॉइंट्स पाकिस्तान और भारत में इस लीग के तहत दो तरफा सीरीज खेलेंगे, जिस पर सवालिया निशान भी उठाया जा रहा है। बोर्ड ने पाकिस्तान और भारत की सीरीज का कोई जिक्र तो नहीं किया, लेकिन दोनों ममालिक में बाहमी क्रिकेट ताल्लुकात सियासी उतार चढ़ाव के शिकार हैं। अगर जनूबी एशिया के दो क्रिकेट पावर हाउसेस सरहदी कशीदगी के सबब मजीद दो बरस टेस्ट और वनडे सीरीज ना खेल सके, तो टेस्ट चैंपियन और वनडे इंटरनेशनल लीग किस तरह मुमकिन हो सकेगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर इसी सीरीज के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि आईसीसी के बोर्ड इजलास में इनकलाबी फैसले करते हुए आलमी टेस्ट चैंपियनशिप और इंटरनेशनल वनडे लीग को ग्रीन सिग्नल दिया है, आप क्या समझते हैं टेस्ट लीग क्यों कराई जा रही है? आईसीसी क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है, और वो हालात के मुताबिक अपने प्रोग्राम में अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करती रहती है। तो टेस्ट मैचेस जो होते हैं वो क्रिकेट की एक बुनियादी फॉर्मेट है, इसी से क्रिकेट जो शुरू हुई थी, आपको याद होगा किसी ज़माने में सिर्फ टेस्ट मैच ही खेले जाते थे और किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उससे पहले होती थी। तो ज़ाहिर सवाल पैदा होता है कि फिर इसकी भी एक रैंकिंग होनी चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि फुटबॉल है, हॉकी है, बाकी तमाम खेल हैं, उनमें बाकायदा एक रैंकिंग होती है, पता लगता है कि कौन सी टीम जो है सबसे अच्छी है और कौन सी नंबर दो है, तीन है, चार है, इस तरह की चीज़ होती है। तो टेस्ट मैच में अगरचे वो इस तरह की रैंकिंग की तो जाती है, लेकिन वो कोई इतना तसल्ली बख्श तरीका नहीं समझा जा रहा। और फिर दूसरा मकसद ये है कि टेस्ट मैचों में किसी तरह दिलचस्पी जो है वो वापस लाई जाए शायकीन की, क्योंकि सवाए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो आशीष सीरीज़ है वो बड़ी शौक से देखी जाती है, हिंदुस्तान में जो हैं वो भी तमाशाई आ जाते हैं टेस्ट मैच देखने। बाकी अक्सर ममालिक में देखा गया है कि जब टेस्ट मैच खेले जाते हैं तो ग्राउंड खाली होते हैं,
अभी हाल ही में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दो मैच खेले गए हैं, खासे अच्छे मैच थे और उसमें दिलचस्प मुकाबले हुए, नतीजा भी निकला, लेकिन स्टेडियम बिल्कुल खाली थे। तो बज़ाहिर यही मकसद लगता है कि एक तो शायकीन को वापस लाया जाए क्रिकेट के मैदानों में टेस्ट मैच देखने के लिए, जो कि क्लासिकल फॉर्मेट है, क्रिकेट की सबसे बेहतरीन फॉर्मेट समझी जाती है, और दूसरा यह है कि फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि पता लगे कि कौन सी टीम जो है वो सबसे अच्छी है। ठीक, इसी तरह आपने दूसरी लीग की भी बात की है, वो भी एक तमाशाइयों की दिलचस्पी पैदा करने का एक तरीका है। उसमें अभी तफसीलात मैंने नहीं देखी कि किस किस्म की वो लीग होगी और उसमें क्या कितने ममालिक होंगे, क्या उसका मकसद हो सकता है, लेकिन बहरहाल कोई भी जो क्रिकेट जो भी कंट्रोलिंग बॉडी होती है किसी स्पोर्ट्स की। अच्छा, ये बताएगा कि इसी के फैसलों के बावजूद कई अमूर फिलहाल हल तलब हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की सीरीज का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस का फैसला आएगा तो फिर क्या होगा? जी, ये आपने लीग के फॉर्मेट की बात की, उसमें 13 टीमें होंगी और टेस्ट मैच में मैचेस के लिए 9 टीमें होंगी। तो 13 टीमों से मुराद ये है कि ना सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाली टीमें होंगी बल्कि उसके अलावा भी इजाफी टीमें खेली जाएंगी, और ये क्रिकेट को पॉपुलराइज करने का एक तरीका है। बाकी रह गया सवाल कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुकाबला होगा तो हिंदुस्तान तो नहीं खेलना चाहता, नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो दो तरफा क्रिकेट हमारे साथ नहीं खेल रहे, वो उनका अपनी एक खारजा पॉलिसी का गालबन तकाजा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देते हैं और इसके लिए उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को जितना भी तनहा कर दिया जाए वो उनके मफाद में है, इसीलिए वो हमारे साथ ना क्रिकेट खेलते हैं और ना कोई दूसरी चीज़ें दूसरे खेल खेलते हैं। हमारे साथ बातचीत भी उनकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ICC के ज़ेर एहतमाम कोई मुकाबले होते हैं तो वो उसमें शामिल होते हैं। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है इंग्लैंड में, तो उसमें हमारे साथ उनका दो दफ़ा मुकाबला हुआ है, एक इब्तदाई राउंड में जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और उसके बाद फाइनल हुआ है ओवल पे जिसमें पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके से उनको शिकस्त दी। तो लिहाजा ये आपकी जो सोच है या आपका जो खदशा है वो दुरुस्त नहीं है। जब ICC के ज़रिए तमाम होगा तो एक इंटरनेशनल एक एप्लीकेशन होती है, तो वो हिंदुस्तान को चाहे वो चाहे या ना चाहे वो उसको खेलना पड़ेगा। सवाल बाकी रह गया कि जी होम ग्राउंड में खेलने का भी वहाँ पे बंदोबस्त है, तो पाकिस्तान तो अभी अपनी होम सीरीज ही खेल रहा है ना, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल रहा, क्योंकि अगर कोई दौरा करने वाली टीम जो है वो हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम से या हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी के खतरात दरपेश हैं उनके पेश नज़र वो यहाँ पे नहीं आना चाहते, तो ये फिर पाकिस्तान को ही बंदोबस्त करना पड़ेगा कि वो मैच कहाँ खेले, चाहे वो शारजा दुबई वगैरह में खेले चाहे किसी दूसरे मुल्क में खेले। तो अगर हिंदुस्तान में को मैच मिलता है, वो उसका होम ग्राउंड का मैच होता है, तो पाकिस्तान ने तो कभी भी इनकार नहीं किया कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने तो कभी भी इनकार नहीं किया, बल्कि उनके वहाँ इंडिया में लोग खुद उनके अपने लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलते क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं है। ICC बोर्ड ने अब तक मैचेस के शेड्यूल और पॉइंट सिस्टम की वजाहत नहीं की सर, पहले वनडे में रैंकिंग सिस्टम होता था तो अब क्या होगा? रहे हैं कि अगर दो साल में पाकिस्तान में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाती है और दहशतगर्दी का खात्मा हो जाता है तो फिर क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए आ जाए? तो मेरे ख़्याल में वो मुश्किल होगा, फिर भी हिंदुस्तान जो है वो नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो बड़ी मुसीबत की है और बड़ी एक गलत बात है कि हिंदुस्तान जो है सियासत और खेल को दोनों को मिला लेता है और बल्कि खेल को सियासत के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो जब दो साल में बेहतरी भी आ जाएगी और हो सकता है दूसरी टीमें आ भी जाएं, वो कोई ना कोई फिर भी बहाना कर सकता है, कहीं ये कहेगा कि जी पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है या वो कश्मीर में वो झगड़े खड़े कर रहा है, तो बहाने तो 100 हो सकते हैं। तो मैं अगले दो साल में कोई ज्यादा इम्कान नहीं देखता। चलिए, आप अगले दो साल में कोई ज्यादा जो है वो इम्कान नहीं देखते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब बात के लिए, और इस वक्त जो है वो हमारे साथ लाइन पर
एम के एम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं जी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी सर, आपसे बात करना चाहेंगे एम के एम पाकिस्तान के हवाले से। अभी डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब जो हैं वो पाक से जमीन पार्टी का हिस्सा बन गए, सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? आपने तो वफादारियों की तब्दीली के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी बाज़ाब्ता तौर पर। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने जो उनके जाने के बाद पहला रिएक्शन दिया था, मेरे देरीना साथी थे हैं अच्छा। और मेरे साथ 23 अगस्त का इकदाम किया था पूरे बाहमी एतमाद के साथ, और उस फैसले में वो मेरे साथ थे। हमने एक तारीख रकम की थी ना पाकिस्तान के साथ, आईने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ हम खड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर प्रेशर पिछले साल भी बहुत था और अब ये नहीं कहा कि वो प्रेशर खत्म हो गया, उन्होंने ये वाली बात भी की। FIA का ये केस बड़ा क्रूशियल है, मुझे बहुत सदमा हुआ, उन्होंने मुझे बताया बगैर ये फैसला कि अगर वो मुझे कह के भी जाते ना मुझे खुशी होती और मैं उनको जाने देता, मैं उनको जबरदस्ती रोकता भी नहीं। हमारी पॉलिसी जबर और दबाव की नहीं है, छीना जब्ती की नहीं है। ये जबर और दबाव और छीना जब्ती से अगर आप अपनी बेस को मजबूत भी करेंगे वो खोखली बेस होगी, वो आगे कायम नहीं रह सकती, सस्टेन नहीं कर सकती है। तो मैं दुआ को हूँ, मैंने तो अनीस कायम खानी भाई से ये दरख्वास्त की, उनका ख्याल रखें, उनकी परेशानी को दूर करें। एक महीने से FIA के केस के बाद वो बहुत परेशान थे। और अच्छा सर, आप FIA के केस के हवाले से बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं डिलीवर नहीं कर सका, जो हमारे महदूद वसाइल थे उसको डिलीवर नहीं कर सका, मैं तो इसलिए पाक से जमीन पार्टी ज्वाइन की है, केसेस को तो वो कह रहे हैं मैं फेस करूंगा। मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा इकदाम ये था कि वो पार्टी में कह देते कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं किसी और स्लॉट का काम करूंगा, मैं तंजीम का कोई और काम करूंगा, मैं इलाके में जाकर आवाम की खिदमत करूंगा, लेकिन मैं डिप्टी मेयर नहीं रह सकता। ये भी आसान तरीका था, ये अच्छा। बात बनाने के लिए कही जा रही है ना, हिसाब नजर आ रहा है कि बात बनाने के लिए कही जा रही है, असल मामला कोई और है इसके पीछे ना, तो वो चीजें नजर आ जाती है। और ये वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो इसमें मतलब कोई ना कोई बात अंदर नजर पक रही थी, उनकी परेशानी साफ नजर आती थी। हम सब उन्हें बहुत दिलासा देते थे, बहुत तसल्ली देते थे, पीठ ठोंकते थे और कहते थे हम आपके साथ हैं, पार्टी साथ है। मैंने अदालत की पेशी पे ये बयान दिया कि पार्टी साथ है और मुझे यकीन है कि ये बेगुनाह साबित होंगे, जो झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर बनाया जा रहा है अच्छा। और इन्होंने जो है वो जायज तौर पर बैंक जो है वो बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, और अपने ही बैंक अकाउंट से अपने ही बैंक अकाउंट में अगर की है ये वो भी हकायक जानते हैं, लेकिन एक कारोबारी है, सनतकार है, साइट के चेयरमैन रहे हैं, वो इतना प्रेशर मुझे पता है नहीं ले सकते कारोबारी और हमारे जो जो, जो सनतकार लोग हैं, लेकिन मैं उनके लिए दुआ को हूँ। खैर, हम उनके भाई खां हैं और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि एक के बाद एक सतून हम देख रहे हैं कि MQM की हिलती चली जा रही है, कैसा देख रहे हैं फ्यूचर इंतखाबात में भी, स्पेशली अब आगे इंतखाबात आने वाले हैं, क्या क्या खतरात लाहक हो रहे हैं MQM को? और साथ साथ आपने अभी इस्तीफों के हवाले से भी बात की थी कि अगर किसी की भी वफादारी तब्दील कराई गई तो हम इस्तीफे दे देंगे, अब क्या प्लान है आपका? देखिए, मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखे जिसमें मैंने ये इस्तीफों की बात की थी, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैंने उसके साथ एक और बात को भी जोड़ा था। मैंने कहा था लेकिन हमें इन सवालों के जवाब भी चाहिए कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, क्या माजरों को और उनके जुड़े हुए मजलूमों को सियासत का हक नहीं है, जिंदा रहने का हक नहीं है, उनकी सियासी आज़ादी कब बहाल की जाएगी, उनके 150 से ज्यादा दफातर क्या हैं, सील हैं, कब वापस किए जाएंगे, उनके जो गुमशुदा लापता साथी कब बाजियाब होंगे, उनके छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला कब खत्म होगा, जो छापे गिरफ्तारियां होती हैं फिर उसके बाद वफादारियां तब्दील होती हैं, सिलसिला कब बंद होगा, मैंने सारे सवाल भी पूछे। हमें सवाल के जवाब दे दें, हमें बता दिया जाए कि हम पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड करते हैं, हम बराबर के पाकिस्तानी हैं या नहीं है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा इत्माद नहीं है इस निज़ाम से, पार्लियामानी निज़ाम का इस्तीफा दे देंगे। पूरी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा थी चले। अच्छा सर, बिल्कुल जहाँ तक बात की जाए पाक से जमीन पार्टी के हवाले से, तो वो ये दावा करती है कि MQM के और भी बड़े नाम जो हैं वो पाक से जमीन पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके पास इस तरह की कोई बात गज सुनाई दी है? आपको लगता है आपकी पार्टी के अंदर अभी और लोग हैं जो पाक से जमीन पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि आपने तो यही बात की थी कि पहिया उल्टा घूमेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है सर? देखिए, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है अच्छा। और ये भी मेरा दावा है कि एक ना एक दिन तो भैया उल्टा जरूर घूमेगा अच्छा। जब आप ये देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा जी, सबकी स्पेस बराबर होगी, कोई जबरदस्ती और जबर से
दबाव से और छीना झपटी से लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं कराई जाएंगी जी। तो आप यकीन माने कि ये पहिया उल्टा जरूर चलेगा, ठीक है। इसलिए हम जाने वाले का पीछा नहीं करते, हम उनको फोन नहीं करते। अच्छा। कि ऐसा ना हो कि ये इंटरप्रेटर का हम उनको, लेकिन हमारे यहाँ जो फोन आ रहे हैं हाँ। मैं कभी आपको सुनवा सकता हूँ, आप कहेंगे मैं लेके आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे जी, क्या क्या आ रहे हैं। तो हम लाएंगे जो उनको ये कहा जाता है कि आप खुद आएंगे या आपको बुलवाया जाए। इस तरह के फोन अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मतलब ये कि मैं, आप बताइए कि मैं मतलब ये इसको इन सारी चीजों को क्या समझूं। तो लोगों के समझने की बात है, और इन चीजों से जो मुनज्जम तंजीम है उनमें फर्क नहीं पड़ता। जो एक अरसे से काम करे जिनकी आवाम में हो, बल्कि लोग इसे रिएक्शन के तौर पर और अपनी एक खेती का मुजाहरा कर रहे हैं एमसीएम पाकिस्तान के साथ, और ज्यादा कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। लोग वाजे तौर पर ये मैसेज ले रहे हैं कि ये जो है वो दबाव और जबर में हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। तो लोग ही समझ रहे हैं इसका मतलब, तो वो और ज्यादा एमसीएम के साथ जो है वो अपनी वाबस्तगी को मजबूत बना रहे हैं, और ज्यादा हमारे साथ जो है वो सीधा सिलाई दीवार की जो है वो तरह जोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आप हमारे साथ थे और एमकेएम को बहुत बखूबी वो वाजे कर रहे थे जो तमाम तर सिचुएशन इस वक्त चलती है, और जो जो रहनुमा पार्टी से निकलते चले जा रहे हैं उन तमाम तर सूरत हाल के बाद एमकेएम जो है वो किस स्टेटस पर है और क्या उनका मौकफ है इस हवाले से, फारूक सत्तार ने हमें बहुत खुल के वाजे किया। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, इनशाला कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड की वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।